अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनेगा मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम एमएम न्यूज़ पर। और आज जो हमारे स्पोर्ट्स टाइम के गेस्ट हैं वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं और अपनी फील्ड में उन्होंने जिस तरीके से अपना नाम बनाया है वो देखने के काबिल है। और सिर्फ उन्होंने अपना ही नाम नहीं बनाया है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है जब उन्होंने ताशकंद में जो है सिल्वर मेडल लिया था। तो सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाते हैं, शहजाद अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद भाई कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है, क्या चल रहा है आजकल, थोड़ा सा बताएं। अभी भी जिम और डाइट, बस यही चल रहा है अभी। ये जिम और डाइट पूरी जिंदगी चलेगी? तो पूरी लाइफ। अच्छा, जब तक लाइफ जिंदा है जब तक यही चलेगा। अच्छा अच्छा शहजाद भाई, पाकिस्तान का तो इनके पास कोई एक टाइटल बताएं जो इनके पास ना हो। मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध, मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान तो कई बार, फिर उसके साथ साथ लास्ट टाइम 2021 में जो ताशकंद में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जो हुए थे वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो शरद भाई उसका थोड़ा सा बताइएगा, ताशकंद वाले का जहाँ पे आपने सिल्वर मेडल लिया, तो वो कैसा था और ये कौन सा आपका कंपटीशन था? क्या ये पहली बार था? ये फर्स्ट टाइम मैं गया था बाहर। अच्छा। और मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल भी था, थोड़ा टफ भी था, पर मैंने अल्लाह का नाम लेके निकला। सबकी दुआएं थी साथ, सारे स्टूडेंट्स की, घर वालों की, सबकी मेहनत थी इसके अंदर, मेरे उस्ताद की भी, मेरे बड़े भाई हैं उनकी भी, सबकी मेहनत थी उसमें। फिर मैंने शुरू करा, फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके निकला हूँ फिर यहाँ से। तो फिर वहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि इतना बड़ा इवेंट है, उनके तकरीबन 40 मुल्क के प्लेयर आए हुए थे। अच्छा। और सब जगह से, हर मुल्क से आए हुए थे, ज़्यादा ज़्यादा प्लेयर थे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा घबराहट भी थी, पर मैंने फिर बस अल्लाह का नाम लेके मैंने वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने लोगों को देखा, सबसे मिला, इंडियन प्लेयर्स बहुत थे, सारी जगह के प्लेयर्स अच्छे थे। मेरा जब अपना मेरा नंबर आया, फिर मैं जब स्टेज पर गया तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी बहुत। वहाँ पे मैंने मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था मेरा, मैंने पोजिंग की वहाँ पे, तो मैं टॉप 5 में आ गया था वहाँ पे। बेहतरीन जी, आपने ना सिर्फ क्या कहते हैं अपना बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया था उस इवेंट पे और जिस तरीके से आपने वहाँ पे किया। अच्छा, अगर आप, मैं आपसे ओवरऑल पूछूं कि उस कॉम्पिटिशन में, वो आपका पहला कॉम्पिटिशन था, तो आपने क्या चीज़ें देखी जो कि पाकिस्तान थोड़ा सा लैक करता है उसमें और आप समझते हैं कि दूसरे लेवल पर लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे जाना खेलना, जब आपको एक मौका मिलता है तो उसको ज़ाया नहीं करें, वहाँ जाएँ खेलें। ठीक। क्योंकि फ़ायदा है वहाँ पे जाके खेलने में, आपका एक मोराल ऊपर होता है, फिर आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक। फिर आगे भी चांस लग सकता है आपका कि आप आगे भी जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप यहीं खेलते रहेंगे, आप वर्ल्ड खेलने गए, वर्ल्ड से फिर आप आगे यूनिवर्सल भी खेल सकते हैं, आप आर्नल्ड क्लासिक भी खेल सकते हैं, फिर आगे चांस बहुत है आपके पास। तो अब नेक्स्ट आपका मार्का क्या है? इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्का एशिया खेलने का है। एशिया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एशियाई कंट्रीज में आपका कैसा है कि पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स कैसे रैंक करते हैं, कहाँ पे खड़े हैं? देखिए वहाँ जाएंगे तो बाकी, मैं तो अपनी, मेरी 100% अभी से तैयारी चल रही है। अच्छा, अभी टाइम है कॉन्टेस्ट में तो, पर मैंने तैयारी अभी से शुरू कर दी। बेहतरीन बेहतरीन, चलें क्या कहते हैं शहजाद भाई, ये सिलसिला चलता रहेगा, हमारा एक राउंड रैपिड फायर राउंड वो खेलें, आपसे इजाज़त है आपकी? चलें जी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक सेंटेंस या एक जुमला दूंगा, आपने बताना है कि आपकी नज़र में क्या अच्छा है क्या बुरा है। सही, ठीक है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में आपका फेवरेट पोज कौन सा है? मेरा फेवरेट पोज मोस्ट मस्कुलर पोज। मोस्ट मस्कुलर, ये क्या होता है? ये पूरी बॉडी के मसल्स शो होते हैं। ओहो, अच्छा, हमने देखा भी है वो आपका एक पोज जो आपने ऐसे करके, वो वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पोज से पूरी बॉडी आपकी, पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी इसमें शो होती है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बेस्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आपकी नज़र में? देखिए वैसे तो मेरे सारे कॉम्पिटिशन ही बेस्ट हैं, मगर अभी जो मैंने तैयारी की थी कि मेरे पास टाइम वक्त कम था और मैं इंटरनेशनल लेवल पे था, ये सबसे बेस्ट था। अच्छा, ऐसे इसमें टाइम कितना चाहिए होता है एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए और आपके पास कितना? 2-3 महीने तो हूँ। अच्छा, मगर ये 22 डेज थे। अच्छा, ये जो इसमें आपने सिल्वर मेडल लिया, इसमें 22 डेज में आपने ये सारी तैयारी की है? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आपको 2 या 2.5 महीने मिलते तो आप गोल्ड ले लेते पूरा। इंशाल्लाह गोल्ड तो नहीं, इंशाल्लाह मैं पूरा ओवरऑल जीतता। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर? मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर तो मैं खुद ही हूँ। खुद ही है? अरे जबरदस्त जबरदस्त, और होना भी चाहिए बंदे को, अपने आप पे ही थोड़ी सी होनी चाहिए क्योंकि वो अगर अपने आप पे नजर रखेगा तो और अच्छी अपनी तरह। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लोग, मगर ये कि मैं अपने आप को जो मेरा फेवरेट हूँ ना, मैं खुद ही हूँ। अरे बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन।
अच्छा, फीलिंग क्या होती है जब एक कंपटीशन आप जीत गए हैं और एक अच्छी जगह पे पोजीशन ले लिए? बस बहुत फीलिंग तो ये होती है कि बस बता नहीं सकते कुछ भी, ऐसी अच्छा, फील होती है। और इतने बड़े स्टेज पे जाके जीतना वो फील अलग ही होता है। वो मतलब एक मामूली बात नहीं है ना, एक बंदा पाकिस्तान से जाके डायरेक्ट बाहर खेलता है और वो फिर इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर जाके जीतता है, तो वो एक मोराल बहुत ऊपर हो जाता है, वो खुशी का आलम नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा, वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे बस जी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आपके वर्ड्स में कैसा है, मतलब कि इजी है, टफ है, क्या है? नहीं, टफ है। टफ है, इजी नहीं होता है। क्यों, टफ क्यों है? बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आसान थोड़ी होता है। अच्छा, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, दूसरा भी करके आएगा। ठीक, एक लड़का नहीं होता है ना कॉम्पिटिशन के अंदर, लड़के होते हैं। ठीक, सिक्स पोजिशन होती है। ठीक, अब सिक्स में से जो वन आता है तो वो टफ तैयारी कर आता है ना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक रूल जो आप बॉडी बिल्डिंग से मतलब के रिमूव करना चाहें, यार ये रूल हटा दो इधर से, ये सही नहीं है। वो जजेस का रूल हटा दो। ये आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ, जो जजेस होने चाहिए जो हल्फियाँ हों। अच्छा, जो हक पे फैसला करें और मेरिट पे फैसला करें, जो कि किसी के साथ जाती ना हो। ठीक। अच्छा, कहीं बाजू का ऐसा भी होता होगा ना कि आप किसी कॉम्पिटिशन में लड़ रहे हैं और तकरीबन दोनों के पॉइंट सेम हैं, तो वहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, उसमें प्लेयर्स को पता होता है कि यार 19-20 हैं हम लोग, या वो या मैं, बस ठीक। तो उसमें बंदा मायूस नहीं होता, उसे पता है कुछ पॉइंट्स में या तो कुछ पोज में मैं अच्छा हूँ, कुछ पोजिस में वो अच्छा है, तो उसमें बंदा मायूस नहीं होता, उसमें दिल बड़ा होता है उसके अंदर। सही सही। उससे जाके वो अगर हार भी जाता है बिल फर्जे, तो उससे जाके मिलता है, वो स्पोर्टमैन स्पीड से। ठीक ठीक ठीक, होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। नहीं, वैसे ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लास्ट हमने मिस्टर पाकिस्तान जिस तरीके से वीडियोस हमारे पास आई, तो वो खैर हम बोल तो नहीं रहे लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरे वहां पे बैठे हुए लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो फैसला हुआ, सोशल मीडिया ने देखा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जहां जहां देखा लोगों ने, सबके यही मैसेज थे कि ना इंसाफी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक दिन आप सुबह सो के उठे, आपको एक सुपर पावर मिल ली है जनाब, के आप जो चाहें वो हो जाए, आप क्या करना चाहेंगे? बस मैं यही चाहूंगा कि सारी फेडरेशन मेरे हाथ में आ जाए, मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ बस सबको। और फेडरेशन भी वो इसलिए, उसकी वजह ये कि किसी का हक नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि मुझे पता है एक बॉडी बिल्डर कितनी मेहनत से तैयार होता है, तो उसकी कितनी मेहनत होती है उसके पीछे, तो अगर उसके जाती हो तो वो नुकसान है, क्योंकि उसका भी, क्योंकि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी मेहनत करता है हर चीज़ से, घर से, फैमिली से, अपने अपने आप से करता है, ये आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा मुश्किल है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कि मेरे सब मेरे हाथ में हो, ताकि मैं सबको हक दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट सिटी? मेरा फेवरेट सिटी कराची है। कराची है, ठीक है। मूवी वूवी देखते हैं? फेवरेट मूवी? नहीं, मूवी तो नहीं देखते। मूवी नहीं देखते। अच्छा, जंक फूड या देसी फूड? डाइट फूड। डाइट फूड, जबरदस्त। अच्छा, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं? मोबाइल यूज करने का टाइम ही नहीं होता। मोबाइल यूज करने का टाइम ही नहीं होता, जबरदस्त। अच्छा, अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं होते तो क्या होते? फिर मैं क्रिकेटर होता। क्रिकेटर होते? यहाँ पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से हर कोई क्रिकेटर है। ये तो है, कराची में ज्यादा है। अच्छा अच्छा, आपका कोई एक ऐसा मैच या ऐसा कॉम्पिटिशन जो आप बार बार देखते हो और बोलते हो यार ये बस बेस्ट हो गया था, इससे अच्छा कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता? 2019। अच्छा, क्या था वो? नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स, उसमें मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। बहुत अच्छी तैयारी, मतलब उस टाइम जो थी ना, तो वो मुझे बेस्ट थी मेरी। अच्छा, अभी तो सारी तैयारियां बेस्ट होती हैं, मगर उसमें मुझे ज्यादा मजा आया था। अच्छा, उसमें मतलब कि आप खुद बड़े कॉन्फिडेंस में देखे? हाँ, कॉन्फिडेंस तो मेरा सारे कॉन्टेस्ट में होता है। अच्छा, क्योंकि मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे को तैयारी पे अपना भरोसा होता है पूरा, क्योंकि मैं जब तैयारी करता हूँ ना, मेरा जहन में टारगेट होता है, नहीं मुझे सबसे अच्छा दिखना। ठीक 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 ठीक। क्योंकि मुझे अपना एक नाम अल्लाह पाक ने एक इज्जत दी है, इतना बनाया है, इतनी मेहनत करी है, तो अल्लाह ने इसी वजह से दी है। ठीक 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 ठीक। चलें जी, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, जो कि आपने बड़ा ज़बरदस्त खेला, बड़े दबंग अंदाज में आपने सारे जवाब दिए हमें। इसके साथ साथ हमारा एक और राउंड है, ट्रू एंड फॉल्स, उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊँगा एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा, आपने बताना है सही है या गलत है। ठीक है, चलें जी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर IFBB, ये जो है वर्ल्ड लेवल पे बॉडी बिल्डर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रू एंड सही है? सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आर्नल्ड जो हैं, उन्होंने 1990 में अपना फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता था, सही है गलत? नहीं, 89 में जीता।
ये वैसे गलत है। अच्छा मिस्टर ओलंपिया टाइटल नंबर 8 वॉन 8 जो है टाइटल जीते हैं मिस्टर ओलंपिया के ली हैन ने। सही है गलत? टोनी कोलमैन ने। इसने नहीं जीते 8? वैसे सही है ये, इसी ने जीते 8? नहीं मेरे ख्याल से ली हैन ने जीते हैं। अच्छा टोनी कोलमैन ने जीते हैं। अच्छा अच्छा स्टीरियोटाइप सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो इलीगल होते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा जब आप क्या कहते हैं परफॉर्मिंग कर रहे होते हैं थाई का पोज तो आपने जो अपने हाथ हैं वो पीछे रखने होते हैं। सही है गलत? सही। वैसे वैसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ ये थाइस बनाना बड़ा मुश्किल है ये क्या है? सबसे टफ है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसी के होते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी इसी के होते हैं? 65 पॉइंट्स होते हैं। वो तरीका और ये बिल्कुल ऐसा ही है मतलब के थाइस का पोज जो होता है वो कमर सर पे हाथ रख के मारा जाता है। वैसे तो ओवरऑल हर पोज में थाइस का पोज जरूरी हो गया है। हर पोज में थाइस का बहुत जरूरी होगा तो इसका मतलब है थाइस आपके लिए कंपलसरी है। कंपलसरी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसके बगैर बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है। और ये मेरे ख्याल से इजीली हो जाता है थाइस बनाना या थोड़ा मुश्किल है इसको? थाइस सबसे मुश्किल है। देखिए ना हर बंदा अब यहाँ पे कराची में भी यही करता है फिजिक खेलना है ठीक, बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलना क्योंकि उसमें टांगे बनानी पड़ती है। सबसे मुश्किल है। अच्छा 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 राउंड टू जो होता है बॉडी बिल्डिंग जो आप कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं राउंड टू जो होता है वो यूनिक पोजिंग का होता है। सही है गलत? नहीं नहीं राउंड ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। राउंड जब वन होता है ना तो मतलब वन जो होता है उसी के अंदर आपका सिलेक्शन होती है। फिर राउंड टू होता है ना उसमें आपकी जजिंग होती है, उसमें आपको चेक करते हैं जजेस। फिर उसके बाद फिर आपको ना जब आपके फैसले हो जाते हैं फिर बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी से पोज करें। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा बॉडी बिल्डिंग जो है वो पार्ट ऑफ ओलंपिक है, ओलंपिक का पार्ट है। ओलंपिक 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 में जाते हैं ना बाकी बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया भी खेल ओलंपिक भी खेलते हैं ठीक। बॉडी बिल्डिंग में भी ओलंपिक भी होते हैं गेम्स ठीक, उसमें ठीक। भी टीम्स जाती हैं पूरी दुनिया से। सही 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 सही, सही, सही। अच्छा क्रिस डेकरसन ठीक है एक बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में टाइटल जीता था मिस्टर ओलंपिक का ओलंपिया का? मुझे याद नहीं है। वैसे वैसे तुक्का मारे हैं। सही है गलत? गलत है। नहीं ये सही है। अच्छा एक बॉडी बिल्डर्स जो है क्या कहते हैं वो जो ओपन बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन जो होता है ठीक है उसमें थोड़े ज्यादा पोजेस होते हैं एज कम्पेयर टू मैन फिजिक्स? मैन फिजिक्स में कम होते हैं, बॉडी बिल्डिंग में पोज ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल चार पोज होते हैं। हाँ यही चीज। ये सही है या गलत? बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा आपने जब अपने क्या कहते हैं मसल मास क्या कहते हैं वो बढ़ाना हो और आपकी बॉडी को भी लीन रखना हो तो इसको लीन बल्किंग कहते हैं। बिल्कुल है सही। ये लीन बल्किंग मतलब कि कैसा है? ये बल्क ऐसा होता है कि आपका मसल भी लीन होता रहता है और बल्क भी होता है। अच्छा ये बड़ा हो रहा होता है। ये इजी है या टफ? ये थोड़ा टफ होता है। ये टफ है। ये आप लोग यही कर रहे होते हैं? जी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो होते हैं। चल रहा है अभी, यही चल रहा है अभी। सीजन ऑफ सीजन है तो उसमें बल्किंग मसल्स मतलब हम लीन मसल बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही जवाब है और आपने काफी अच्छे जवाब दिए हैं इसमें से। मतलब कैसा नहीं है आपको कुछ भी गलत नहीं होंगे ऐसा नहीं है। इसका मतलब है बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज भी है। अच्छा वैसे देखते हैं बॉडी बिल्डिंग को नॉलेज के लिए कुछ सीखने के लिए टाइम नहीं मिलता ना। अच्छा देखने का असल में अपने टाइम ही नहीं मिलता अपनी ट्रेनिंग से। अपना ट्रेनिंग के बाद डाइट डाइट के बाद भी घर भी देखना पड़ता है फैमिली भी। सही 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 फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा आप लोगों का जिम भी है स्टिल जिम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कहाँ है क्या करते हैं आप स्टिल जिम? हमारा अपना जमशेद रोड के ऊपर है ठीक, वहाँ पे समझ लें एकेडमी है वो हमारी माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई साथ होते हैं ठीक, मेरे 3-4 स्टूडेंट्स हैं मतलब शागिर्द हैं वो भी हमारे साथ होते हैं। मतलब सबको हम लोग गाइड कर रहे होते हैं बच्चों को। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं न्यू जैसे अब स्कूल में ऐसे बिगनर बच्चे जाते हैं तो उनको टीचर उनको सिखाते हैं जी जी, तो हम ऐसे बच्चों को यहाँ सिखाते हैं फ्री कॉस्ट दिखाते हैं। मतलब अच्छा, कोई फीस नहीं लेते हैं उनसे। अच्छा, सिखाने की कोई फीस नहीं है हमारे पास, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक, वो आते हैं एडमिशन लेते हैं फिर हम उनको गाइड्स करते हैं पूरा उनको। हालांकि कुछ पता नहीं होता है ना, वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, मतलब बेटा हम बैठे हुए ना आपको बताने के लिए, तो उनको हम लोग गाइड करते हैं वो सीख जाते हैं। ठीक माशाल्लाह बहुत सारे तो ऐसे सीख के वो खुद ट्रेनर बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सिद्धार्थ भाई जब बॉडी बिल्डिंग आपने स्टार्ट करी तो पहले तो ये बताएं शुरू से इसका कहते हैं जज्बा था कि नहीं जी बॉडी बिल्डर ही बनना है या शुरू में क्या था थोड़ा? शुरू में तो असल में ये तो बस बड़े भाई हैं असल में ना, बड़े भाई मेरे उनको वो मुकाबले खेले थे 94 में। अच्छा उनसे बड़े भाई हैं वो 84 में खेले थे 86 में खेले। अच्छा फिर हम तो उस टाइम छोटे थे बहुत छोटे थे तो हम लोग ऐसे पीछे लग के चले आते थे कि देखने के लिए ना ठीक।
तो फिर उनको देख, उनको जब शौक था, जब उनको देख के यार हमें भी बनानी है, पर उस टाइम छोटे इतने थे वो ना करते थे एक्सरसाइज ही नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा कहाँ से एक्सरसाइज करेगा। सही सही। फिर वो 98 में उन्होंने छोड़ दी थी। मैं, हमारी भी फील्ड चेंज थी, मैं क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। बस वो भाई ने बोला 2008 के अंदर, भाई मेरे को बोलते थे यार तुम जिम आके बैठा करो, थोड़ी देर बैठ जाया करो, मेरे पास टाइम नहीं होता, उनका जिम है अपना ना। अच्छा। तो मैं बैठ जाता था वहाँ पे, बस वहाँ मेरे दोस्त आते थे तो उनको देख के शौक चढ़ गया कि ना यार मैंने भी करनी है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला यार जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम बैठ जाओ वहाँ जाके। ठीक। तो बस उस दिन से मैंने बोला नहीं अब करनी है। अच्छा अच्छा। तो पहला आपका क्या कहते हैं, जब आपने स्टार्ट किया तो पहला कंपटीशन कौन सा लड़ा? पहले मैंने ईस्ट खेला था, कराची ईस्ट। कराची ईस्ट खेला था, फर्स्ट टाइम खेला था मैंने, वो भी 20 दिन की तैयारी, भाई ने बोला था खेलो। अच्छा। तो बड़े भाई ने तैयारी कराई, फिर मैंने खेला था, तो उसमें भी मैं थर्ड आया था। थर्ड आया। फिर उसके फिर एक महीने बाद मैंने मिस्टर कराची खेला था, उसमें मैं फर्स्ट था। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने एज की बात करी, आप क्या समझते हैं जो व्यूवर्स देख रहे हैं और जो इस चीज़ का शौक रखते हैं बॉडी बिल्डिंग का या अपना फिटनेस के लिए भी कम से कम, तो जिम किस एज में इंसान को स्टार्ट कर देना चाहिए? जिम देखें, जिम की कोई एज लिमिट नहीं है, आप बड़े होकर भी कर सकते हैं, बड़ी एज में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये क्योंकि छोटी एज वाले ही करेंगे। अभी माशाल्लाह मेरे भाई हैं वो फील्ड में हैं, इसमें वो तकरीबन 48 ईयर्स के हैं। अच्छा। उन्होंने माशाल्लाह भी 60 डेज के अंदर उन्होंने अपना वेट भी लूज़ किया है और माशाल्लाह भी वो फिट भी है, उन्होंने कॉन्टेस्ट भी खेला है। ओह माशाल्लाह, 48 उम्र में कंपटीशन खेला है। जी खेला है, अभी फर्स्ट आए, वो टाइटल जीता उन्होंने मास्टर क्लास का। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये अचीवमेंट है ना, ये देखें इसमें कोई उम्र की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा नहीं, जो कम से कम मतलब कि जैसे कि 17 साल 18 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। 16 साल की। अच्छा, अब लोगों को ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन होता है कि यार हमारी हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, ये इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसकी कोई हाइट इससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट का कोई इसमें है ही नहीं ना सिस्टम। अच्छा। इसमें तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी ना, जब ग्रोथ बढ़ेगी तो जिस्म बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ जाएगी। लोगों ने जहन में बिठा लिया कि वेट करने से, वेट उठाने से हाइट रुकती है, हाइट नहीं रुकती, हाइट आपके डाइट से रुकती है। जो आप जंक फूड्स खा रहे होते हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, आप खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप वो बैठ बैठ के आपका वेट बढ़ा, फिर आपकी बॉडी का रुक जाता है, हार्मोन स्लो हो जाते हैं आपके। अच्छा अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी जंक फूड का जिक्र किया, ये कितना नुकसानदेह है हमारी आजकल की जनरेशन के लिए? जनरेशन की नहीं तो समझ लें, ये बहुत बड़ा नुकसान है, जहर है ये। अच्छा। जहर खा लें इससे बेहतर ये ना खाएं। मतलब कि वीक में एक दफा भी नहीं, अब मंथ में एक भी दफा नहीं। देखिए चीट डे कर सकते हैं मगर बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं, ये असल में नुकसान देते हैं। अच्छा। देखिए आप जब नहीं खा रहे हो ना, आप खा के जाएंगे, आप खाएं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा। अब आपको नहीं पता ना कैसे बने, आप जंक फूड खाना आप घर में बना के खाएं। अच्छा। अभी जो खाते हैं लोग बाहर किस ऑयल में बन रहा है, कौन से मसाले डल रहे हैं इसके अंदर, आपको नहीं पता ना मुझे पता। ठीक 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 ठीक। अब वो आपके मैदे को जाके डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको फिर जाना है, चक्कर लगते हैं, फिर हॉस्पिटल जाएं, फिर डॉक्टर को दिखाना है, फिर दवाई खानी है, फिर ये होगा कि आप बीमार हो जाएंगे, फिर आए दिन थोड़े दिन बाद बीमार। ठीक ठीक ठीक। वो आपके अंदर से पार्ट्स वीक हो जाएंगे सारे। अच्छा। अब जो आप घर के खाने खा रहे होंगे उसमें आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आप। ठीक। आपकी बॉडी के आज़ाद जो है ना, जो पार्ट्स जो कहते हैं बॉडी के, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि आप फ्रेश चीज़ खा रहे हैं। ठीक ठीक। साइड इफेक्ट नहीं होगा कोई आपको, क्योंकि रेड जो होती है ना, लाल मिर्च जिसको कहते हैं, जी जी, वो जहर है। जहर है वो आपके मैदे को, आप डालें ना किसी चीज़ पे, अगर आपके अंदर कोई आपको जख्म हुआ हो, आप उस पर डालें लाल मिर्च। नहीं नहीं, वो तो बड़ी खतरनाक है। तो यही चीज़ है ना, आप ऊपर से आप फिर वो पी रहे हैं, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप, डबल नुकसान। अच्छा। एक तो ये हाँ ना, ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ें नुकसान जहर है। हमारी फील्ड में तो हम तो मना करते हैं कि जंक फूड्स ना खाएं। अच्छा, नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग जो है या फिटनेस के लिए कितनी ज़रूरी है वो नॉर्मल लोगों के लिए? देखिए अभी जो चल रहा है माहौल और जो हालात चल रहे हैं, हर बंदे के लिए ज़रूरी है। अच्छा। डिप्रेशन में बंदा है, टेंशनों में बंदा घिरा हुआ है, थोड़ी देर जिम जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। और आजकल आपको पता है नई जनरेशन क्या, बाहर क्या, अभी तो आप बता रहे हैं बार बार खाना बाहर का खाना है। बिल्कुल। एक्सरसाइज कर ली जाके खाना बाहर का खाना है, तो वो नुकसान है। देखिए थोड़ा खा लें घर में, खा लें वो बेहतर है, थोड़ा खा लें घर में खा लें। अच्छा, फिर उसके साथ साथ लोगों का काफ़ी ये भी रहता है कि जी हम इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हमारे पास हमारा मास नहीं बढ़ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज है वो अपनी डाइट अच्छी करें, हेल्दी डाइट लें, डाइट फ्रूट्स लें, मतलब जितनी डाइट अच्छी होगी उतना उनका मसल मास बढ़ेगा। अच्छा। अब वो डाइट नहीं लेंगे तो कैसे बढ़ेगा? अब ये बॉडी बिल्डिंग जो है वो बॉडी को खाती अंदर से खुद ही। अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो वो जो बॉडी को ज़रूरत है ना वो आपकी बॉडी में से लेगा।
फिर वो आप लीन हो जाओगे। ठीक। अच्छा, ये ज़रूरी है अगर आप बॉडी बिल्डिंग करने शुरू में जा रहे हैं, जो भी आगे कहते हैं हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले वो जा रहे हैं, तो उनको लाजमी है कि शुरू के डेज से ही उसने अपना ट्रेनर भी लेना है, सब चीज़ें करनी है, या आपका क्या मैसेज होगा? जैसे जिम के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिम्स हैं वहाँ पर बोलते हैं भाई आप ट्रेनर ले लें, ठीक, तो वहाँ पर तो सिस्टम यही है, अब तो आप ट्रेनर लें ताकि वो आपको एक सीक्वेंस से लेके चले, ठीक, ताकि आपकी बेस मजबूत कर देगा वो, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेनर लेना लाजमी है, ठीक, क्योंकि बिना ट्रेनर के आप कर नहीं सकते ना, आपको पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। ठीक। अब हर कोई तो हमारी तरह नहीं है ना जिम्स में, हमने तो एकेडमी खोली हुई है, ठीक, बाकी जिम्स में तो सिस्टम ये है कि आप जब तक ट्रेनर नहीं लेंगे ना आप कर नहीं सकते, वो ज़रूरी है उनके लिए ट्रेनर लेना, क्योंकि वो आपकी बेस बनाएगा। ठीक। फिर आपकी हर चीज़ सही चलेगी, सीक्वेंस से चलेगी। अच्छा, कुछ ऐसे आगे कहते हैं लोग हैं जो अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं ख्वाहिशमंद हैं कि जी हम भी कंपटीशन लड़ें, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका, और क्या वो आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर उनको कॉन्टेस्ट खेलना है मुझसे कॉन्टेक्ट करें और आके मिलें, मैं बिल्कुल कॉन्टेस्ट की तैयारी करा दूँगा उनको। और अगर खुद कर सकते हैं तो मुझसे रब्ता करें, फ़ोन पर रब्ता कर लें, मेरे नंबर पर फ़ोन करें, मुझसे मिल लें, जैसा भी हो सकता है वो कर सकते हैं अपने पास भी। अगर उनको दूर है कहीं तो वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ उनको। अच्छा, बॉडी बिल्डर बनना हर बंदा बन सकता है या आप समझते हैं कुछ फिजिक्स बन सकता है, कुछ लोग बनते हैं बॉडी बिल्डर? अच्छा, क्या उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि ना थोड़ा टफ हो गया बॉडी बिल्डिंग, महंगा बहुत है। हाँ, ये महंगे लोग, ये बड़े लोगों के शौक हैं। अच्छा, छोटा बंदा नहीं कर सकता इसमें। अच्छा, क्योंकि इसकी डाइट का खर्चा बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, आप समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग अगर पाकिस्तान में उसको अच्छे तरीके से उसकी सरबराई हो, गवर्नमेंट लेवल पे उसको अच्छे तरीके से देखा जाए, तो पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है? पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अगर जो आप बात कर रहे हैं अगर वो हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कमी नहीं है। आप क्रिकेट भूल जाएंगे, इतना टैलेंट है आपके पास बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, आपके पास इतने मेडल आएंगे इतने क्रिकेट में नहीं आता होगा आपके पास, इतना आपके पास टर्न ओवर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट्स नहीं है। देखें, क्रिकेट में तो एक क्रिकेटर है उसको सपोर्ट्स मिलती है, सुपरस्टार बन जाते हैं, ठीक। अब बॉडी बिल्डिंग में वो सुपरस्टार खुद ही बनता है, अपनी मतलब खुद ही अपनी मदद अपने आप, सारी मेहनत करनी है उसने, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके कराची लेवल से लेके सिंध लेवल से पाकिस्तान से, फिर वो आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो वहाँ तक ही पूरा हो जाएगा, फिर वो अपना घर कैसे चलाएगा, क्योंकि महंगा हो गया। मैंने आपको क्या बोला, इसमें खर्चा बहुत है, क्योंकि कराची भी खेलना है उसने, डिस्ट्रिक्ट भी खेलने, तो सारे कॉन्टेस्ट खेलता हुआ जाएगा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट होगी, अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है जो डिस्ट्रिक्ट का काउंसलर है, मेयर है, जो भी है, वो उसको सपोर्ट करे, उसका मतलब उसको स्पॉन्सर करे, फिर वो कराची खेले, कराची खेलने के बाद जो कराची का बड़ा है वो उसको सपोर्ट करे, ठीक, गवर्नमेंट लेवल पे, फिर वो सिंध खेले, सिंध लेवल पे खेल के वो सिंध से सपोर्ट मिले उसको, फिर वो पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान जीत जाए वो, तो पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करें, पाकिस्तान के गवर्नमेंट उसको, ताकि वो फिर इंटरनेशनल खेले। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक, जब तक सपोर्ट नहीं होगी वो कैसे करेगा। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, अभी के हालात में गवर्नमेंट लेवल पे किसी बॉडी बिल्डर्स को या बॉडी बिल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो है, कुछ फेडरेशन को है जो गवर्नमेंट से है, मगर वो भी वही ना, प्लेयर्स को नहीं मिलता उसका। अच्छा, प्लेयर्स को नहीं देते ये, मिस्टर पाकिस्तान बन जाए आपको कुछ नहीं मिलता, आप मिस्टर सिंह बने आपको कुछ नहीं मिलता, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक ट्रॉफी मिलती है, एक आपको बेल्ट मिलती है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर कर देती है तो कुछ मिल जाता है, ठीक, वैसे कुछ नहीं देते प्लेयर्स को। अब वो प्लेयर्स अपने ऊपर 2-3 लाख रुपए लगा के आके कॉन्टेस्ट खेलता है तो वो उसको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मली मतलब कि जो दूसरे स्पोर्ट्स का, क्रिकेट को उठा के जो दूसरे स्पोर्ट्स का हाल है, बॉडी बिल्डिंग का भी वही हाल है? सेम हाल है, सेम। अगर प्राइवेट कोई स्पॉन्सर कर दे तो कर दे, प्राइवेट कोई स्पॉन्सर कर दे तो कर दे, नहीं तो अब कोई खुश हो गया आया हुआ, जैसे एज अ गेस्ट आया हुआ कॉन्टेस्ट देखने के लिए, उसको लगा यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, उसको पसंद आ गया, तो उसने कुछ अपनी तरफ से उसको गिफ्ट कर दिया तो वो अलग है। नहीं तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता होगा, क्योंकि इतना पैसा लगा के बॉडी बिल्डिंग तो वैसे ही कोई बहुत टफ है वाकई में, उसमें इतना पैसा लगता है, फिर वो आप जब कंपटीशन जीतने, रिटर्न नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है। पर वही जैसे जिसके पास कोई बिजनेस है, कोई काम है, तो वो कर रहा है बस, चले। आजकल जो लोग हैं वो जिम में ट्रेनर्स, जैसे कोई मिस्टर सिंह बनता है, अब मिस्टर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट का टाइटल जीतता है तो
तो वो कहीं जिम में ट्रेनर की जॉब कर रहा होगा तो वो खेल सकता है, वही खेल रहे होते हैं आजकल जो ट्रेनर की जॉब कर रहे होते हैं, अलग से कोई लड़का नहीं खेलता क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो फिर ये कोई गरीब बच्चा तो कर नहीं, गरीब का काम नहीं है, गरीब का तो काम है ही नहीं है बिल्कुल भी मेरे ख्याल से। चलें शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लास्ट में आपका कोई मैसेज आप कुछ बोलना चाहते हैं? यही मैसेज है कि सबके लिए कि भाई जिम जाएं और एक्सरसाइज करें, क्योंकि माशरा और जो माहौल है, जो खाना पीना चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिम में जाएं, अपनी फिटनेस रखें और फिटनेस के साथ डॉक्टर से बचें। चलें शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे गेस्ट शहजाद अहमद कुरैशी, जो कि पाकिस्तान के, ना सिर्फ पाकिस्तान के, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी और जो भी स्पॉन्सर हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, अपने ऐसे हीरोज़ को ना भूलें, क्योंकि ये हीरोज़ हैं जो कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो इंटरनेशनली बुलंद करते हैं, और दूसरे जहाँ पे कंपटीशन जब इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो उनको पता चलता है कि पाकिस्तान से भी कोई आया हुआ, और फिर ये लोग मेडल लेते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है और यहाँ पे भी एथलीट जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ब्रांड्स वगैरह को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करें। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।